सो हे गाइस, दिस इज पीयूष। तो दोस्तों, आज की वीडियो मतलब क्या ही बताऊं यार, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन इस यूनिवर्सिटी के अंदर होते रहता है। ओके, तो मतलब डी वाटू के अंदर फिर से एक बार जो है कन्फ्यूजन चालू हो चुका है। जो कुछ भी डेट्स वगैरह आई थी वो सबसे पहले जो मतलब टेलीग्राम ग्रुप से वगैरह वगैरह जो भी अदर सोर्सेस हो गए, तो वहाँ पर जो है डिक्लेयर हो चुकी थी कि वो तारीख जो है एस्टिमेटेड 15 मतलब मिड ऑफ दिसंबर से, इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ कि मिड ऑफ दिसंबर से जो है वो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले जो आपकी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ली जाएगी, जो कि इवन सेम की होगी, जैसे कि सेकंड सेम हो गया, फोर्थ सेम हो गया या फिर सिक्स सेम हो गया, तो इन सेम की जो है एग्जामिनेशन आपकी कंडक्ट होने वाली है, वो मिड ऑफ दिसंबर से होने वाली है। इसके लिए सारे स्टूडेंट जो है मतलब कंटिन्यूसली स्टडी वगैरह करने के लिए स्टार्ट हो चुके थे, स्टडी कर रहे थे कि इवन सेम की सप्लीमेंट्री आ जाएगी। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद जो है मतलब 2 से 3 दिनों पहले ही डेट वगैरह न्यू डेट जो है रिलीज होकर, उनके ऐसा मानना है कि मतलब जो भी अभी एग्जामिनेशन होने वाली है वो सप्लीमेंट्री ना लेते हुए सीधा मतलब जो है रेगुलर एग्जामिनेशन होने वाली है। क्योंकि सप्लीमेंट्री की अगर वो बात करते तो थोड़ी पहले ही कर देते यार, ऐसा नहीं क्योंकि आज ही 5 तारीख है और आप बोल रहे हो कि 18 तारीख से जो है वो इवन सेम की ऑड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन जो है होने वाली है। जो भी अभी करंटली मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हो गए या फिर जो है थर्ड सेमेस्टर में हो गए, फिफ्थ सेमेस्टर में हो गए या फिर सेवन्थ सेमेस्टर में हो गए, तो इनकी एग्जामिनेशन जो है वो होने वाली है 18 तारीख से। और हालांकि उन्होंने एक मतलब दावा भी किया है कि फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन जो है वो मतलब थोड़ी सी पहले हो, सॉरी थोड़ी बाद में लेने वाले, हो सकता है कि वो 28 तारीख से हो। ठीक है, तो कंफर्म डेट जो है वो अभी तक आने बाकी है। क्योंकि देखिए, आप बोलोगे कि पीयूष भैया, जो भी 18 तारीख वगैरह आई है सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए 18 तारीख की, फर्स्ट ईयर के लिए जो है एंड ऑफ दिसंबर है, फिक्स डेट जो है थोड़ी दिनों में आ जाने वाली, क्योंकि देखिए उनको जो है जल्दी रिलीज करना ही पड़ेगा। तो बात कर लेते कि पीयूष भैया क्या है फिक्स डेट होने वाली या फिर कोई और भी चेंजेस हमको देखने के लिए मिलने वाली होगी। तो अगर है फिक्स डेट हो गई तो मतलब जो है एग्जामिनेशन होगी कब, मतलब अपनी रेगुलर एग्जामिनेशन कब होगी, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कब होगी, जो सबसे पहले जो है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होने वाली थी हो क्या अब मतलब फिर से एक बार कैंसिल हो चुकी है, वो पोस्टपोन हो चुकी है या फिर कुछ और होने वाला है, मतलब क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ इसके बारे में जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दो। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक को जो है कवर करने वाले, तो मतलब देखिए वीडियो जो है मतलब इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हे यहाँ पर ही क्लियर कर दूँ कि फिक्स वीडियो नहीं होने वाली, कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हे मतलब सबसे पहले आपके मतलब माइंड में जो है फिक्स कर लीजिए, या फिर कई ज़्यादा लोग बोलते कि भैया आपकी वजह से जो है हमने मिस कर दिया, आपने ये तारीख बोला था पर इस तारीख को, तो मैं भी एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, जो भी बाकी ग्रुप्स वगैरह में जैसे कि एस्टिमेटेड होता है, इस वीडियो में भी एस्टिमेटेड होने वाला। ऊपर आपको जैसे कि बताया कि जो भी दावे वगैरह रहते हैं अपने चैनल के वो हमेशा से सच होते आए हैं, 99% अपना रिजल्ट वगैरह, उस बात को जो है कंफ्यूज मतलब छोड़ ही देते, पर अभी जो है करंटली जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर जो है वीडियो लाते हैं। 5 दिनों पहले ही मतलब 4 से 5 दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो लाई थी कि एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, और उसके बाद एक ऐसे भी वीडियो आई कि एग्जामिनेशन की तारीख वगैरह क्या है, फार्मेसी के लिए भी लाई थी, इंजीनियरिंग के लिए भी आई थी। और इंजीनियरिंग के ऊपर जो है अभी मैं बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन होगी तो होगी कब। देखिए, एज पर द रिपोर्ट जो भी कुछ चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पर हो गया, टेलीग्राम इंस्टाग्राम ग्रुप पर हो गया, तो 18 तारीख से वो बोल रहे कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाली है, जो कि सेकेंड ईयर की होगी, थर्ड ईयर की होगी और मतलब जो है फोर्थ ईयर की होगी। आप बताओगे मतलब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया जो कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में उनका क्या, तो उनकी एग्जामिनेशन उनका ऐसा मानना है कि हो सकती है कि दिसंबर के एंडिंग में होगी। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के, तो हमको पता चल गया कि थर्ड सेमेस्टर की हो गया, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवन्थ सेमेस्टर की एग्जामिनेशन जो है 18 तारीख से शुरू होगी। और 18 तारीख से अगर मान लो कि शुरू हो भी गई तो हो मतलब मिनिमम 5 सब्जेक्ट भी अगर हमने पकड़ लिया, तो देखिए सबसे पहले पेपर अगर उन्होंने 18 को ले लिया तो 19 को पेपर नहीं होगा, 20 को होगा, 21 को नहीं होगा, 22 को होगा, 23 को ना होते हुए 24 को होगा, और 25 को ना होते हुए 26 को होगा। तो ऐसे करके जो है 5 पेपर टोटली उनके कवर हो जाते हैं। ओके, तो ये 5 ही पेपर हो गए, तो हो सकता है कि फर्स्ट हो बोल रहे कि एंड ऑफ दिसंबर से जो है मतलब फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन होने वाली है। तो फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन अगर मान लो 27 को तो नहीं ले गए, ऑब्वियस है कि 28 को या फिर 19 तारीख को ले सकते, कभी भी ले, हम एस्टिमेटेड पकड़ लेते हैं कि 28 से जो है एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर की स्टार्ट हो जाने वाली है। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ चलने वाला है। और उनको भी अगर मतलब 5 सब्जेक्ट वगैरह हो गए तो देखिए सबसे पहले जो है 28 को उनका पेपर होगा, 29 को नहीं होते हुए मतलब जो है 30 को होगा, तो 31 मतलब 31 डेज का जो है दिसंबर महीना वगैरह रहता है, आपको भी पता है कि 31 को तो नहीं ले गए, ऑफिस से 1 जनवरी को ले लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, 3 को ले गए, 4 को नहीं लेंगे, 5 को ले गए, मतलब 5 जनवरी तक जो है एस्टिमेटेड मान लीजिए कि सारा कुछ मतलब भंडारा वगैरह आवर जाएगा, मतलब जो कुछ भी एग्जाम वगैरह एंड हो जाएगी।
पर सप्लीमेंट्री का क्या है? अभी सवाल जो है स्टूडेंट के मन में हो चुका है कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन पीयूष भैया कब हो सकती है। तो देखिए बात की जाए ना यार, अगर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की, तो मेरे ख्याल से, तो भी मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, हो सकता है कि आपका थोड़ा डिफरेंट हो, कि जो कुछ भी मतलब अभी देख लीजिए कि जो कुछ भी अभी सबसे पहले जो 18 तारीख से वो बोल रहे कि ऑड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन होने वाली है सेकेंड ईयर के लिए, फोर्थ थर्ड ईयर के लिए और फोर्थ ईयर के लिए, ओके मतलब फाइनल ईयर के लिए। तो है जो भी होने वाली है एग्जामिनेशन रेगुलर, तो उसी के साथ हो सकता है कि सप्लीमेंट्री भी कंडक्ट कर ले, ठीक है। तो जैसे कि पहली बार मतलब पिछली बार हुआ था कि जो कुछ भी रेगुलर का और सप्लीमेंट्री का पेपर था वो सेम ही आया था, ठीक है। तो इस वक्त भी वैसा हो सकता है, इवन मतलब ऑड सेम के लिए जो कुछ भी पेपर वगैरह रहेगा रेगुलर का भी और सप्लीमेंट्री का भी, हालांकि पेपर चेंज हो सकता है या फिर सेम भी रह सकता है, इस पर जो है कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही है और ना ही आएगी, ओके। तो फिक्स बता देता हूं, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आएगी कि पेपर सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा, पर मेरे ख्याल से तो भी पेपर जो रहने वाला है वो सेम ही होने वाला है, क्योंकि पिछले बार जो भी सप्लीमेंट्री हुई थी स्टूडेंट की, इवन सेम की बात कर रहा हूँ, सेकेंड सेमेस्टर हो गया, फोर्थ सेमेस्टर हो गया, तो उनका पेपर जो ऑलमोस्ट सेम थे, ठीक है। तो ये तो आपके मन में क्लियर हो चुका है कि जो भी आपकी थर्ड ईयर की थर्ड सेमेस्टर की सप्लीमेंट्री होगी, फिफ्थ सेमेस्टर की सप्लीमेंट्री होगी और सेवन सेमेस्टर की सप्लीमेंट्री जो भी होगी, वो हो सकता है कि 18 तारीख के आसपास जो है मतलब उसी के साथ जो है मर्ज करते हुए चल जाएगा। तो आप बोलोगे कि भाई एक दिन में एक पेपर ही होगा या फिर एक दिन में हमको दो दो पेपर देना पड़ेगा, तो देखिए एज पर द यूनिवर्सिटी रूल एक दिन में दो पेपर एंड सेमेस्टर के लिए तो भी नहीं ले सकते, ओके। तो वो रूल ही आ रहा है और मतलब देख लीजिए ना, एक ही पेपर मतलब 3 घंटे का होता है, तो 6 घंटा जो भी स्टूडेंट हो पेपर लिखेगा क्या? और काफी ज्यादा स्टूडेंट के मन में एक ही डाउट होता है कि भैया एक ही दिन में अगर हमारे दोनों पेपर आ गए तो सप्लीमेंट्री का भी और रेगुलर का भी, तो हम कैसे क्या करेंगे? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मेरे दोस्त। ये डाउट तो सबसे पहले माइंड से हटा लीजिए कि जो कुछ भी आपका पेपर वगैरह होगा एक ही दिन में दो पेपर कभी भी नहीं आएंगे, एक ही दिन में दो पेपर क्लैश नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए और आप बताओगे कि भैया ठीक है हमको ये सब तो मालूम चल गया कि थर्ड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर की, फिफ्थ सेमेस्टर की और सेवन्थ सेमेस्टर की सप्लीमेंट्री कब होने वाली है, एस्टिमेटेड मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो ये फिक्स नहीं है, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बस मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि कैसे क्या हो सकता है, ओके। तो उसी की तरफ फर्स्ट ईयर की बात कर लेते कि फर्स्ट ईयर के जिनके भी बैकलॉग्स वगैरह है तो उनकी सप्लीमेंट्री कब हो सकती है। तो ऑब्वियस है कि जैसे कि मतलब थर्ड जो भी अपने ऑड सेमेस्टर की जो है रेगुलर के साथ हो रही, इनकी भी रेगुलर के साथ ही होगी, पर फर्स्ट ईयर का जो भी एग्जामिनेशन वगैरह है वो मतलब शिफ्ट हो चुका है मतलब एंड ऑफ दिसंबर में। तो हो सकता है कि 28 तारीख को अगर उन्होंने ले ली एग्जामिनेशन, ओके, तो कन्फर्म कर लिया कि 28 तारीख से फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन है, तो उन्हीं के साथ जो है वो सप्लीमेंट्री भी ले लेंगे, ठीक है। जो कुछ भी फर्स्ट ईयर में आपको बैकलॉग वगैरह थे तो हो सकता है कि एंड ऑफ दिसंबर से वो भी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हो कंडक्ट कर ले, ठीक है। और मतलब एक और भी ऑप्शन आ जाता है कि जो कुछ भी होगा हो इवन सेम का होगा, मतलब ऑड सेम का होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के ऑड सेम के ही पेपर से। तो हो सकता है कि पिछले बार जैसे कि आपको याद वगैरह होगा कि जो भी M2 के पेपर्स थे या फिर इवन सेम की सप्लीमेंट्री थी वो एक ही बार हुई थी पिछले साल, ठीक है। तो हो सकता है कि इस साल भी वैसा ही हो, आपके जो भी अगला सेमेस्टर आएगा मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जब सेकेंड सेमेस्टर दे रहे होंगे तब उनका M2 का पेपर वगैरह होगा, तो हो सकता है कि उनके साथ फिर से एक बार जो आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट कर ले। पर ये जो है मेरे ख्याल से सबसे बुरा ऑप्शन होगा अगर वो ऐसा कंडक्ट करते, तो उनको जो है पहले एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट कर लेनी चाहिए, जो कुछ भी मतलब पहले टाइम टेबल आया था ना वो एकदम परफेक्ट टाइम टेबल मेरे हिसाब से तो भी था कि मिड ऑफ दिसंबर से सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, बच्चे जो है मतलब स्टडी करने के लिए स्टार्ट हो चुके थे, अभी फिर से एक बार न्यू डेट आई कि 18 तारीख से जो है सबसे पहले सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ईयर की होगी, उसके बाद जो है एंड ऑफ दिसंबर में फर्स्ट ईयर की होगी। तो ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, फिक्स टाइम टेबल अभी भी आना बाकी है, और ऐसा ना हो कि मतलब आपकी एग्जामिनेशन अगर 18 को ही आपने फिक्स कर दिया और 12 से लेकर 14 तारीख या फिर 15 तारीख को टाइम टेबल रिलीज कर रहे हो कि मतलब इस दिन पर ये पेपर होगा, तो मतलब स्टूडेंट तो सच में है कि मतलब थोड़ी बहुत उनकी भी तंदरी फिर ही जाएगी, मतलब हो जो कुछ भी है फिर से एक बार भड़क जाएंगे और मतलब क्या ही कर सकते हैं यार, अभी मतलब फिर से एक बार उसी सीन को जो है रिपीट वगैरह करेंगे, वैसे ही स्टडी वगैरह पूरी आधावट हो जाएगी, मतलब इनकम्प्लीट स्टडी के साथ पेपर को जाएंगे, फिर से एक बार बैकलॉग लगेंगे, फिर से एक बार रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब सप्लीमेंट्री के अप्लाई करेंगे, रेमेडियल के लिए अप्लाई करेंगे, और फिर से एक बार हो ही सीन। उससे अच्छा है कि मतलब एटलीस्ट 10 to 15 days पहले तो भी आप टाइम टेबल रिलीज कर दो कि इस दिन है पेपर होने वाला और हो मतलब एक कंफर्म डेट हो, ठीक है। तो जब तक एक ऑफिशियल टाइम टेबल नहीं आ जाता किसी भी सोर्स पर जो है मतलब ट्रस्ट कीजिए, वैसा कुछ नहीं, पर देखिए ऐसा मत समझ लीजिए कि हो ही मतलब जो है 101% रियल होने वाला है जब तक एक रियल टाइम टेबल नहीं आता होगा। तो क्योंकि आपने देखा कि पहले जो है हमने मतलब हमको जो है एस्टिमेटेड डेट्स वगैरह आई थी कि हो 15 तारीख से जो है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होगी, एंड ऑफ दिसंबर को से रेगुलर एग्जामिनेशन होगी, अभी चेंज होकर सीधा 18 को जो है उन्होंने ला दिया है कि एग्जामिनेशन होने वाली है रेगुलर, ओके।
तो फर्स्ट ईयर की एंड ऑफ दिसंबर, तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। जो कुछ भी सोर्सेज उनको तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, पर ऑफिशियल जब तक आ नहीं जाता तब तक जो है हमको वेट करना पड़ेगा। और जब भी आ जाएगा मैं फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा कि कंफर्म डेट्स क्या होने वाली है। हे फिर से एक बार बता देता हूँ, हे मैंने जो कुछ भी अनुमान लगाया वो एक एस्टिमेटेड डेट्स थी। ओके, तो क्लियर कर दिया है मैंने ये अपने वीडियो में, ठीक है, तो बाद में कोई बोलेगा नहीं। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर आपको मतलब कोई भी डाउट होगा D2 के अंदर रिगार्डिंग वगैरह, ओके, तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए उसके रिगार्डिंग में वीडियो, या फिर कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई दे दूंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।